बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एम्प्लॉइज टीवी। आज की बड़ी अपडेट, बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में बड़ा इजाफा कर दिया गया। जी, सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 30% इजाफा कर दिया गया। पंजाब काबीना ने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 30% इजाफे की बाकायदा तौर पर मंजूरी दे दी। पेंशनर्स की पेंशन में 5% मंजूरी दी। तमाम ग्रेड के तनख्वाहों में 30%। अभी तक ये वादे नहीं हो रहा कि स्केल 1 से लेकर 16 तक, क्योंकि वफाकी गवर्नमेंट ने 35% इजाफा किया था और बाकी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 30% इजाफा किया था। लेकिन ये कन्फर्म है कि 30% तक इजाफा ज़रूर कर दिए गए मुलाजमीन की तनख्वाहों में, और इसके अलावा 20% पेंशन में इजाफा किया गया। ये भी वाज़े करता चलूँ कि 80 साल से ज़ायद उम्र के अफराद के लिए 20% इजाफा, और इसके अलावा बाकी जितने भी पेंशनर्स हैं उनकी पेंशन में 5% इजाफा कर दिया गया। जी, बड़ी खबर आपके साथ शेयर करता चलूँ कि तनख्वाहों में बड़ा इजाफा कर दिया गया। स्केल वाइज अभी तक तमाम ग्रेड्स की तनख्वाहों में 30% इजाफा किया गया, लेकिन अभी तक ये वाज़े खबर नहीं आ रही कि 1 से लेकर 16 तक के मुलाजमीन के लिए सुना है कि 35% और उससे ऊपर वालों के लिए 30%। लेकिन जैसे ही ये बजट की चंद लम्हों के बाद बजट अनाउंस किया जाएगा तो ये बिल्कुल वाज़े हो जाएगा। लेकिन अभी तक की जो खबर है उसके मुताबिक यही है कि तमाम स्केल्स जो हैं उनके लिए यकसा 30% इजाफा किया गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।